इजराइल क्षेत्रफल में भारत के केरल से भी छोटा, आबादी दिल्ली की आधी आबादी के बराबर, लेकिन इसके बावजूद इसकी गिनती सबसे ताकतवर देशों में होती है। ये देश आज हर मामले में दुनिया के बड़े बड़े देशों से आगे है। इजराइल दुनिया का एक ऐसा देश जिसने दुश्मनों से घिरे होने के बाद भी उनकी नाक में दम कर रखा है। उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि इजराइल से सीधे पंगा ले सके। युद्ध में इजराइल का कोई मुकाबला नहीं है। इजराइल ने एक ही समय में 7 अलग अलग देशों के साथ लड़ाई लड़ी है और सभी दुश्मन देशों को नाकों चने चबवा दिए। इतना ही नहीं, इजराइल ने विवादित इलाके पर भी कब्जा कर लिया था। इसका कारण इजराइल की ताकतवर फोर्स है, अपने सैनिकों से नहीं बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी के कारण सबसे आगे है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी तरह से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इजराइल के पास ऐसे एडवांस और खतरनाक हथियार हैं जिनका तोड़ किसी के पास नहीं है। ऐसे में आज आपको बताते हैं इजराइल के 5 घातक हथियारों के बारे में, जिनकी बदौलत वो बेखौफ होकर दुश्मनों को मात देता है। रॉकेट से बचाने के लिए आयरन डोम। इजराइल ने अपने नागरिकों को रॉकेट से बचाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम लगाया, जिसे आयरन डोम कहा जाता है। इसे इजराइल के दक्षिणी इलाकों में लगाया गया है क्योंकि इजराइल पर लंबे समय से गाजा पट्टी की ओर से रॉकेट के जरिए हमले किए जाते रहे हैं। आयरन डोम 70 किलोमीटर दूर से ही एक रॉकेट का पता लगाकर उसे नष्ट कर सकता है। नवंबर 2012 में 8 दिनों के अंदर इसने 421 रॉकेट को मार गिराया। जैसे ही कोई रॉकेट लॉन्च होता है, तुरंत ही रडार स्टेशन उसे पकड़ लेता है और उसके रास्ते का पता लगाकर रॉकेट लॉन्च कर देता है। 360 डिग्री से आने वाले हमले का पता लगाने वाला ट्रॉफी सिस्टम 360 डिग्री से आने वाले हमले का पता लगा सकता है और तुरंत आ रही मिसाइलों को तबाह कर सकता है। आप सोचते होंगे कि इसका क्या काम है। आप सोचते होंगे कि बैटल टैंक पूरी तरह से अभेद्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। टैंक को तबाह करने के लिए आज के समय में एंटी टैंक मिसाइलें हैं, जिनके इस्तेमाल से ऐसी तबाही हो सकती है जिसे ठीक ना किया जा सके। ऐसे में ट्रॉफी सिस्टम काम आती है। खतरनाक F-16I सूफा फाइटर जेट। अमेरिका के फाइटर जेट F-16 के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वही F-16 जो पाकिस्तान के पास है, वही जिसे भारतीय वायुसेना के योद्धा ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान ने मार गिराया था। इस फाइटर जेट का इस्तेमाल पश्चिम के कई देश करते हैं, लेकिन इजराइल के पास F-16I है। इस आई का मतलब इजराइल से है। इजराइल के डिफेंस फोर्सेज ने इसे अपने हिसाब से बनाया है। इसमें कई स्पेशल वेपन है और एक खास रडार है। इसके अलावा इजराइल के पास ऐसे हेलमेट हैं जिसके जरिए वो सिर्फ देखकर दुश्मनों पर निशाना लगा सकते हैं। इसका नाम सूफा है। हिब्रू भाषा में तूफान को सूफा कहा जाता है। 4 दुश्मनों का काल मानव रहित ड्रोन। मानव रहित हवाई यान यानी ड्रोन मौजूदा वक्त में दुश्मनों के लिए घातक है। इजरायली सेना इन ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। इससे दूर से ही दुश्मनों को इसके जरिए निशाना बनाया जा सकता है। कई सेंसर और हथियारों से लैस ये ड्रोन बिना रुके 30 घंटे से ज्यादा समय तक हवा में रह सकता है। इजरायली सेना का एक घातक हथियार मरकवा MK-4 टैंक इजरायली सेना का एक घातक हथियार है। साल 2004 में इसे सेना में शामिल किया गया था। दुनिया के सबसे खतरनाक टैंक में इसका नाम शामिल है। इसमें लेजर वार्निंग सिस्टम और स्मोक स्क्रीन ग्रेनेड शामिल है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां की बहुसंख्यक आबादी यहूदी है। इजराइल एक छोटा देश है पर उसकी सैन्य ताकत को दुनिया लोहा मानती है। उसके खाड़ी के मुस्लिम देशों के संबंध काफी कड़वे हैं। दुनिया भर के मुसलमानों के मन में इजराइल की नेगेटिव इमेज है। हाल ही में सऊदी और ईरान के बीच संबंध बहाली के समझौते को लेकर इजराइल ज्यादा सतर्क है। अनौपचारिक रूप से कहा जाता है कि इजराइल परमाणु शक्ति संपन्न देश है और अपनी ताकत के दम पर ही अस्तित्व में है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।